हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइन जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रुपेश। दोस्तों आए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कमाल की एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसके मदद से दोस्तों आप अपना फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है वो भी 3D लुक में और जो व्हाट्सअप का है वो भी 3D लुक में दे सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखा दूँ दोस्तों, कुछ इस तरह का लुक होगा जो आपको काफ़ी दोस्तों आपके दोस्तों को इम्प्रेसिव करेगा और बार बार वो पूछेंगे दोस्तों आपसे कि आप ये कैसे बनाए हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये बनेगा 3D लुक में, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आइए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। आइए चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में जाने से पहले दोस्तों एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे लिए नए मेहमान हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो के जो रेड कलर की बटन है उस पर क्लिक करके और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों ऐसे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसकी डाउनलोडिंग लगभग 5 मिलियन है और दोस्तों 4.6 की रेटिंग, जो काफ़ी अच्छी है। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ आएगा इस तरह का इंटरफेस। तो आप पहले दोस्तों आपको सारा परमिशन मांगेगा, सारे परमिशन अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले से परमिशन सारे अलाउ कर रखा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इससे पहले आपको दोस्तों जाना होगा अपने व्हाट्सएप में और दोस्तों जाकर वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, तभी तो दोस्तों हो पाएगा आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है उस तरह से 3D लुक में। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं अपने व्हाट्सएप में और प्रोफाइल में चल के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ले लिया दोस्तों। और यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, फिर से उसी एप्लीकेशन में जाना है पिक्सल लैब में। और दोस्तों इसमें जा के आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो ये कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोस्तों मैं पहले इमेज बनाया रहा था कुछ, इसलिए बता रहा है। तो जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको पहले डिलीट कर दीजिए, कॉर्नर पर बटन है डिलीट का, इस पर डिलीट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कॉर्नर पर प्लस का आइकन जो दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा और फ्रेम गैलरी में जाना होगा। तो गैलरी में दोस्तों जाके आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वही आपको लेना होगा यहाँ से। तो हम दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं पहले से दोस्तों स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ क्योंकि मैं दोस्तों पहले से बनाया हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से ले लीजिए और यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ और इसको मैं बीच में लगा देता हूँ और यहाँ पे ऐसे इसी तरह से रहने दीजिए। फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, बीच पे दोस्तों जो नीचे कुछ टूल्स दिए हुए हैं तो बीच वाले पे क्लिक कीजिए और ऐसे तमाम तरह के दोस्तों पे आपको टूल्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, स्लाइड करते हुए चले जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जो 3D शेप है इस पर आपको क्लिक करना होगा, फिर इसको इनेबल कर दीजिएगा। और इनेबल करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको चले जाना होगा यहाँ पर वाई रोटेशन के पास, तो कुछ इसको रोटेट कर दीजिएगा इस तरह से, जो काफ़ी अच्छा लुक बनेगा। और इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको फिर से ऊपर आना होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको डेप्थ वगैरह अगर सेट करनी है यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको छोटा ही रहने दीजिए क्योंकि अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से हो गया और यहाँ पे दोस्तों और सारे यहाँ पे तमाम ऑप्शन है, आप करना चाहिए तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर लाइट है दोस्तों, लाइट भी बढ़ा घटा सकते हो और यहाँ पर शैडो वगैरह दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये सब सेटिंग आप कर लीजिएगा और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर फिर से राइट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों ये PNG रहेगा, तभी दोस्तों आप कहीं इसको किसी भी वॉलपेपर पे सेट करके लगा सकते हैं। तो आई मैं आपको बता दूँ इसको PNG कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसी में है ऑप्शन है, यहाँ पे जो नीचे टूल्स दिए हैं चौथे नंबर पे दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ जाएगा और इसको आप ट्रांसपेरेंट में करके यहाँ से शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फॉर्मेट PNG है, अब सेव टू गैलरी कर दीजिए। दोस्तों ये सेव हो गया आपका और रेंडरिंग हो रहा है, सेविंग इमेज दोस्तों सेव हो गया। तो हमें आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज़ वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और दोस्तों अच्छी थोड़ी सी अच्छी कमेंट जरूर दोस्तों आज कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी थी। दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।